ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तों। कोशिश हुंदी है लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर कीती जावे। सो अज दा टॉपिक लेटेस्ट इनफॉर्मेशन नूं फिलहाल लेके नहीं गा, उहदे ते आपां रेगुलर शो बना रहे हां, सो तुहानूं होर शो मिलदे रहणगे। अज दा जिहड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक जिहड़ा मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदा सी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तों मैं क्लाइंट्स नाल रेगुलरली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिल रहा और एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा उन्होंने, वो हैगियां ने रिफ्यूजल। तो अगर किसी बच्चे की रिफ्यूजल आती और रिफ्यूजल तो बाद बच्चा किस तरीके नाल रिएक्ट कर रहा और एक्चुअली उन्हें की करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो रिफ्यूजल तो बाद कई बार अपना ही नुकसान करा पाते हैं। सो उसके ऊपर मैं आज कुछ टिप्स या कुछ सलाह तुम्हें देने की कोशिश करूँगा कि अगर इन केस तुम रिफ्यूजल का सामना करते हैं तो उन्हें राइट तरीके किदा डील किया जाना चाहिए बिना कोई नुकसान के। सो सब तो पहले मैं कहूँगा चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि काम की इनफॉर्मेशन स्टडी अब्रॉड वीजे रिलेटिड हर इनफॉर्मेशन थोड़े तक समय सिर पहुँचती रहे। सो रिफ्यूजल में लेकर ज़्यादातर जिहड़ा देखा मैं बच्चों कि जो किसी कंसल्टेंट को किसी भी कंसल्टेंट को जो रिफ्यूज़ हो जाता है तो सब तो पहला की करता है कि वह अपनी फीस का रिफंड मंगा लेंदा है, GIC का रिफंड मंगा लेंदा है और फिर वो कंसल्टेंट लभण चले जाता है। दूसरा मेरे ख्याल नाल काफ़ी गलत एक्टिविटी है क्योंकि ये एक बड़ा वड्डा अपना नुकसान करा लेंगे, क्योंकि जो तुम रिफंड ले लेंगे कॉलेज तो या GIC तो और दोबारा फिर दूसरा कंसल्टेंट लभते हो फिर सारिया चीज़ा करवाते हो तो तुम्हें एक कॉस्ट पै जाती है ना करते लख डेढ़ लख रुपए की, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि जी अपनी लॉस पहुँचाते हो जस्ट घट इनफॉर्मेशन या घट नॉलेज होने करके। सो सही तरीका की है? सही तरीका आया दोस्त कि जो भी कितने रिफ्यूजल का सामना करो कितों भी करो पहला तो कंसल्टेंट चुन लगे भी आपको बहुत ध्यान रखना पेगा, बट आप जिन्हें भी ध्यान ना चुन लीए डेफिनेटली हर कंसल्टेंट को रिफ्यूजल्स ने, मेरे को भी कोई रिफ्यूजल है ने, सारे कोदियाँ ने, इदा हो ही नहीं सकता कि हर बंदा 100% वीजे काम करता होगा। सो अनफॉर्चुनेटली कभी भी जो तुम रिफ्यूजल का सामना करो सब तो पहला अपनी रिफ्यूजल के उत्ते एक सैकेंड ओपीनियन लो। सैकेंड ओपीनियन मतलब किसी भी उस कंसल्टेंट का जिते तुसी होर ट्रस्ट कर सकते हो या कोई भी ऐसा एडवाइजर जिहड़ा तुहानू उहदे ते अच्छे तरीके नाल गाइड कर सकता है और एक तुहाडा अच्छा दोस्त या मित्र उहदे कोलों भी वह लैटर पूरा पढ़वाओ जिन्हों अच्छी तरीके नाल इंग्लिश की नॉलेज होवे और जिहड़ा तुहानू कुछ चानना पा सके। यह दो चीज़ां नाल की होएगा कि तुहानू एक ओवरव्यू समझ आऊ कि यह सिनारियो मेरा रिफ्यूजल जिहड़ा हैगा वह पर्टिकुलरली किस कारण दे नाल है। कई बार यह कारण रिफ्यूजल लैटर तो क्लीयर हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते। सो डेफिनेटली जिहड़ा सैकेंड ओपीनियन वह भी कितना कितने अगर तुसी कंसल्टेंट का लोगे तो ही फायदेमंद है, बिकॉज उन सानू थोड़ी जी जिहड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का उहदे हिसाब नाल कैलकुलेशन वध हुंदी है। नाउ सैकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हुंदी है कि कॉलेज और कोर्स बदलना। सो ज़्यादातर हुण कंसल्टेंट दे विच की प्रॉब्लम है कि जो तुसी एक दी रिफ्यूजल दूजे को लेके जाते हो तो ज़्यादातर कंसल्टेंट्स तुहाडे कॉलेज दीआं फीसां रिफंड कराते हैं और अपने कॉलेजां दे विच जिथे भी उन्हां दा टाइप है उस हिसाब नाल एडजस्ट करन दी कोशिश करते। सो अपनी 20-30 हज़ार कमीशन वध कमाण दे चक्करां दे विच ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਲੌਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 100% ਫੈਕਟਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕੋਲਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਵੰਸ ਦਾ ਕੋਲਜ ਇਜ਼ DLI ਅਪਰੂਵਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਦਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਲੇਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲੇਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲਵੋ
और कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਬਟ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰੱਖੋ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ